आजाद भारत के इतिहास में 24 और 25 जून को दिल्ली के राजघाट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। बताया ये जा रहा था कि हिंदू संगठन का कोई कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के चलते दिल्ली के राजघाट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। और उस बंद का जो असर है वो अजमेर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अजमेर राजस्थान के अंदर उस 2 दिन का जो राजघाट को बंद किया गया था उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। ये विरोध देखिए, यहाँ पे अजमेर के लोग बैठे हुए हैं और ये लोग शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन कर मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मौन क्यों कर रहे हैं ये हम इनसे जान लेते हैं। ये बात बताइए, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं आप, विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राजघाट को 2 दिन के लिए बंद किया गया था, इससे आपत्ति क्या? आपत्ति महात्मा गांधी की जो लोगों की आस्था है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होती है। देश के अंदर चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे युद्ध का भी समय रहा हो, कभी राजघाट बंद नहीं रहा है। ऐसी आपात स्थिति बीजेपी सरकार ने पैदा की है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन के लिए राजघाट बंद कर रखा है, जो हिंदूवादी संगठन हो उनकी वजह से और गोड से समर्थक लोगों की वजह से। इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि गांधीवादी विचारधारा को वो दबाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि पूरा मुल्क गांधी विचारधारा से चलता है। देखिए, विरोध का अनोखा तरीका देखिए, इन्होंने अपने जो गांधी जी के 3 बंदर की आपको बात पता होगी, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कान बंद कर रखे हैं। ये देखिए, हम तस्वीरों दिखा रहे हैं, मुंह बंद कर रखा है और ये देखिए, ये आँख भी यहाँ पर बंद कर रखी है। जो 3 जो आपको महत्वपूर्ण जो कई बार आपने किताबों में भी देखा होगा, तस्वीरों में भी देखा, जो 3 बंदर दिखाई देते हैं जिसमें कान बंद कर लेना, आँख बंद कर लेना, मुँह बंद कर लेना, वो बिल्कुल इस तरीके से विरोध हो रहा है यहाँ पर। भाई साहब, एक बात बताइए आप भी कि क्या जिस तरीके से बंद हुआ इसको लेकर आप बता रहे हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इससे लेकर आप लोगों को आपत्ति और ये आपत्ति की मांग किससे आपको? अब दरअसल आपकी असली मांग क्या है? 2 दिन तो अब बंद हो चुका था, वो तो बंद हो चुका, अब क्या मांग है आप लोग? हमारी ये मांग है कि इतिहास में पहली बार राजघाट बंद हुआ है, वो हिटलरशाही भाजपा सरकार के राज में एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हमारे राजघाट को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नाटक करते हैं बीजेपी वाले, गांधी जी की फ़ोटो लगा के वाहवाही लूट रहे हैं। क्या लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं? और लोकतंत्र इन्होंने अपने हाथों में ले रखा है, इनकी दादागिरी है। आज उसको लेके हम विरोध स्वरूप यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना उपवास हमने रखा है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ताकि वो दोबारा राजघाट बंद ना हो, न कानून हाथ में ले। बिल्कुल, ये यहाँ पर शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन हो रहा है और इन लोगों का यही कहना है, अजमेर के ये लोग हैं, इनका यही कहना है कि अब जो 24 और 25 जून को जिस तरीके से राजघाट को बंद किया गया था, ऐसी घटना दोबारा भारत में दोबारा नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।